माय नेम इज आयशा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने 45 क्वेश्चन का असाइनमेंट करना स्टार्ट किया था। हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सर की सरजिया की रेपोजिटरी खुली है, इसमें हमारे पास 45 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लूंगी। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया था टाइप स्क्रिप्ट के नेम से, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे 45 क्वेश्चन के नेम से एक और फोल्डर बनाया है। अब बहुत ज्यादा लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि अपना एक फोल्डर खोल लेते हैं और यहीं पे एड्रेस बार पे आके CMD लिख देते हैं, तो फिर उनकी फाइल्स का आउटपुट नहीं आता। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है। हम लोगों ने यहाँ पे इस फोल्डर को भी ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे एड्रेस बार पे जहाँ पे हमारी फाइल्स हैं वहां पे एड्रेस बार पे आके मैं लिखूंगी CMD इंटर, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी कोड स्पेस डॉट, तो इससे मेरा VS कोड खुल जाएगा। तो देखिए हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और मैंने हर क्वेश्चन की एक अलग फाइल बनाई है। और यहाँ पे हम अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, तो मैं उसी नेम से एक फाइल बना लूंगी, क्वेश्चन नंबर 19.ts। तो मैं अपनी एक फाइल बना लेती हूँ। हमने इस आइकन को प्रेस करना है और यहाँ पे हम आके लिख देंगे क्वेश्चन 19.ts इंटर। और अब आके हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 19 है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड VS कोड पे लाके कर दूंगी मैं पेस्ट और इसको कर देंगे हम कमेंट। कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या है, डिनर गेस्ट्स वर्किंग विथ वन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 14 थ्रू एक्सरसाइज 18। आपने एक्सरसाइज 14 और 18 में से कोई सी भी आप एक एक्सरसाइज ले, प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। और आपने एक मैसेज प्रिंट करवा देना है कि आप लोगों ने कितने लोगों को इनवाइट किया है डिनर पे। तो यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज 14 को ले लूंगी। ओके, तो मैं इस पे अपना वर्क करूंगी और इस पे बताऊंगी कि हमने कितने लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है। मैं इसका कोड कॉपी करके यहाँ पे मैं लाके कर दूंगी पेस्ट। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है क्वेश्चन 14 में भी और फाइल क्वेश्चन 19 की फाइल में भी एरर आ रहा है। ये एरर आएगा क्योंकि हमारे जो अल्फा ये वेरिएबल नेम्स हैं ये सेम है और ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है, इससे आपका कोड रन हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो एरर है ना, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आके मैं इस फाइल को कर देती हूँ रिमूव और यहाँ से ऊपर से आके कर दूंगी कट, तो मेरा एरर खत्म हो जाएगा। ये हम एक और काम कर सकते हैं कि हम इस अल्फाबेट के साथ हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं या फिर हम डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं और या फिर हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने नंबर एंड में यूज करना है अपना अल्फाबेट के। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। मैं यहाँ पे इस फाइल को ही बंद कर देती हूँ तो मेरा एरर चला जाएगा। आपको मैंने तरीके बता दिए, 2-3 आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम लोगों ने लेंथ यूज की थी, तो अगर किसी को नहीं समझ में आई थी हम लोग लेंथ क्यों यूज कर रहे हैं तो उसको इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे करवा दूंगी कंसोल डॉट लॉग एंड अपनी एरे का नेम लिखूंगी जो है गेस्ट एरे और यहाँ पे मैं लाके कर देती हूँ बेस्ट। मैं लिखती हूँ यहाँ पे गेस्ट एरे डॉट लेंथ, इससे क्या होगा कि मेरी एरे की लेंथ आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करवा देती हूँ, कॉमा लगा के स्ट्रिंग्स पीपल आर इनवाइटेड टू डिनर, क्योंकि हमें बताना भी तो है कितने लोग इनवाइट हैं डिनर पे। तो
कंट्रोल जे प्रेस करूंगी मैं, मेरा टर्मिनल खुल जाएगा और ये यहाँ पे हमारा पावर शेल पे है, तो हम यहाँ पे इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे करने के लिए हम लिखेंगे CMD, इंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो अब हमें अपना आउटपुट देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी फाइल के नेम लिखेंगे TSCQuestion19.ts एंड नोड क्वेश्चन 19.js और इंटर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है कि 3 people are invited to dinner। तो ये जो मेरे ऊपर के मैसेज आ रहे हैं ना, ये इस लाइन के थ्रू आ रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ कैंसिल, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी एरे चाहिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पीपल आर इनवाइटेड टू डिनर। अब हम अपना आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आया है, 3 people are invited to dinner। तो हमें कुछ इसी तरह से कहा गया था जो हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। लेंथ से यही होता है कि हमें हमारे एरे की लेंथ मिल जाती है, विच मीन्स के हमारे एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमें वो नंबर मिल जाएगा। हमारे एरे में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो इसने हमें कह दिया कि 3 people are invited to dinner। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे मैं आपके एक वो बना लेती हूँ फाइल question20.ts, इंटर कर देंगे और यहाँ पे आके हम अपना question20 देख भी लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कर दूंगी कॉपी एंड यहाँ पे लाके मैं कर दूंगी पेस्ट और इसको कर देंगे कमेंट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती तो वो हमें एरर दे रहा है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा था इसको भी मैं कर देती हूँ रिमूव, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा था। ओके, तो इसको कर देते हैं रिमूव एंड देन कुछ इस तरह से। अब question 20 जो है मेरे पास, हम उसको पढ़ लेते हैं। हमें कहा गया है थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन अ एरे, फॉर एग्जाम्पल यू कुड मेक अ लिस्ट ऑफ माउंटेन्स रिवर्स कंट्रीज सिटीज लैंग्वेजेस एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक, राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ लिस्ट कंटेनिंग दीज आइटम। आप लोगों ने कुछ आइटम्स सोचने हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपने उसकी बनानी है लिस्ट। और आपने उसको लिस्ट कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी लिस्ट में हर आइटम मौजूद होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एरे। यहाँ पे हम एरे किस तरह से बनाते हैं, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो हमें अब पता चल गया है कि एरे किस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कंट्रीज, इसका नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और सिर्फ स्ट्रिंग नहीं होगी बल्कि स्ट्रिंग की एरे इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए तो ये मेरी एरे बन गई, लेकिन ये मेरी एम्प्टी एरे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नेम्स स्टोर करवाने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लंदन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जापान, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान, अमेरिका एंड ब्राजील। तो ये मैंने अपनी नेम्स स्टोर करवा दी हैं जो मुझे पसंद है कंट्रीज, इन्होंने भी हमें यही कहा था। आप लोग कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं अपने एरे में, रिवर्स के नेम भी करवा सकते हैं, सिटीज के भी करवा सकते हैं, लैंग्वेजेस एंड माउंटेन्स जो भी आपको पसंद है आप वो स्टोर करवा सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि हमें वो लिस्ट प्रिंट करके दिखाओ जिसमें आपके हर एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मैप मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कंट्रीज, कंट्रीज डॉट मैप
यहाँ पे जब भी हम कोई मेथड कॉल करवाते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसके अंदर एक हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइटम, और यहाँ पे मैं आके करवाऊंगी कंसोल डॉट लॉग एंड आइटम। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने दो दफा आइटम क्यों लिखा? जो हमारा मैप मेथड होता है वो हमारी एरे के हर एलिमेंट को वन बाय वन रीड कर देता है। जब वो हमारी एरे के हर एलिमेंट को वन बाय वन रीड करेगा तो हमारा हर एलिमेंट इस आइटम में आके स्टोर हो जाएगा। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ, नेम वन, और इसके अंदर स्टोर करवा देती हूँ मैं अक्सा, तो ये मैंने स्टोर तो करवा दिया, लेकिन अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो वो मैं किस तरह से करवाती हूँ? कंसोल डॉट लॉग एंड नेम वन, कुछ इस तरह से करके मैं अपना नेम प्रिंट करवाती हूँ। तो यहाँ पे हम भी हमारे पास कुछ इसी तरह से, यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट स्टोर हो गए। अब हमें इसे वन बाय वन करके प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आइटम लिख देंगे। तो इसको मैं कर देती हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ, वो मैं लिख देती हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज, जबरदस्त। और यहाँ पे देखे मेरा ये टर्मिनल है, जो मुझे ये हर क्वेश्चन के लिए, हर फाइल के लिए अलग अलग नहीं खोलना पड़ेगा, मैं अपनी एक ही टर्मिनल पे सारा काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी, tsc question20.ts एंड एंड नोट question20.js एंड इंटर। तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है कि मेरा हर नेम एक लिस्ट के फॉर्म में मुझे मिल चुका है। अगर मैं यहीं पे कंसोल डॉट लॉग करके कंट्रीज करवाती तो मुझे मेरी पूरी एरे मिल जाती, लेकिन उन्होंने कहा था हमें एरे नहीं देनी, हमें लिस्ट देनी है। अगर मैं आप लोग को करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा आउटपुट किस तरह से आएगा। तो हमारे पास जब हम लोगों ने कंसोल करवाया तो हमारे पास ये पूरी एरे प्रिंट होके आ गई। तो इसी वजह से हम इस तरह से अपनी एरे को नहीं प्रिंट करवाएंगे, हम यहाँ पे मैप का मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।